दोस्तों नमस्कार, आज मैं आपको मैक्रोनी बनाना बताऊंगी। मैंने 200 ग्राम मैक्रोनी लिए हैं, ये बनाऊंगी मैं आज। और इसके लिए मैंने सामग्री ले ली है, प्याज है, अदरक है, लहसुन है 1 बड़ा चम्मच, 2 मिर्चें हैं, 1/2 चम्मच अदरक होगा, 2 प्याज लिए हैं मैंने, जो जरूरत होगा उसके लिए इस्तेमाल करेंगे। तो मैंने मसाले ले लिए हैं, ये है गरम मसाला 1/2 चम्मच, 1/2 चम्मच नमक है, नमक आप स्वाद के अनुसार ले सकती हैं, 1/2 चम्मच जीरा मैंने लिए हैं, 1/2 चम्मच लाल मिर्च लिए हैं, 1 चम्मच धनिया लिए हैं, तेल लिए हैं मैंने बनाने के लिए, और सॉस लिए हैं इतना जितना जरूरत हो उतना इस्तेमाल करेंगे, टमाटर लिए हैं। तो ये सब मैं मसाले सब डालूंगी। तो चलिए मैं अपना मैक्रोनी गरम कर लेती हूँ, मेरा पानी गरम हो गया है तो इसमें मैं मैक्रोनी डाल देती हूँ। देखिए दोस्तों मैंने डाल दिए हैं, इसको उबालेंगे, इसमें थोड़ा सा तेल डालेंगे कि चिपके ना, उबालते समय भी डालेंगे इतना तेल, और बाद में भी डालेंगे, तो इसी तरीके से उबाल लेंगे। मैंने उबाल ली है, इसमें थोड़ा सा तेल डाल देते हैं कि चिपके ना, छोटी वाली मैक्रोनी है इसे कुकर भी उबल गया, इसको हिला लेते हैं अच्छे से। दोस्तों मैंने कढ़ाई पे जो कढ़ाई रख ली है गर्म हो गया, अब इसमें तेल डालती हूँ। तेल जितना आप इस्तेमाल करना चाहें उतना कर सकती हैं, मैंने थोड़ा सा डाल ली हूँ। इसमें जीरा डाल देते हैं पहले, प्याज डालेंगे, ज्यादा नहीं भूनेंगे, इतनी अच्छा लगता है। इसमें टमाटर डाल देती हूँ, गरम मसाले डाल देती हूँ, धनिया पाउडर, मिर्चा पाउडर, सॉस मेरा अपना बनाया हुआ घर का है, इसमें चुकंदर डाली हूँ इसलिए कलर इसका ऐसा है, पर बहुत बढ़िया सॉस है ये, इसको मिक्स कर देती हूँ बढ़िया से। देखिए दोस्तों मैंने मिक्स कर लिए हैं, इसका कलर थोड़ा गुलाबी लग रहा है, तो मैंने इसमें चुकंदर और टमाटर का सॉस बनाए हैं बढ़िया से, इसलिए इसका कलर ऐसा है। अगर आप बनाना चाहती हैं तो मैंने अपने चैनल पर डाले हैं बना के ये चुकंदर का और टमाटर का सॉस, देख लीजिए कैसे बनता है, ये महीनों तक खराब नहीं होते। चलिए मेरा ये मैक्रोनी तैयार हो गया, इसको बंद कर देते हैं गैस को, फिर प्लेटिंग कर लेते हैं। देखिए दोस्तों मैंने प्लेटिंग कर ली है, देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में, बढ़िया है। आप भी इसी तरीके से बनाइए, बहुत अच्छे लगेंगे, बहुत टेस्टी बने हैं, और पसंद आया हो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। नमस्कार।